हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्लीपिंग कॉफ़ी मास्क बनाएंगे, जो बहुत ही बेस्ट है। विंटर स्लीपिंग मास्क भी इसको कह सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि हम लोग विंटर स्लीपिंग मास्क किस तरह से बनाएंगे। और विंटर में इस तरह के जो मास्क होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे स्किन के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हम लोगों ने अपना घर पर स्लीपिंग मास्क किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करूँ। कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉफी पाउडर, उसके बाद हम लोग लेंगे एलोवेरा जेल, उसके बाद हम लोग तीन इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रख देंगे। हम लोगों ने लिया है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपको मिल जाएगा आपके घर में, इजीली होगा। अब तो विंटर है, कॉफ़ी जो पाउडर होता है, कॉफ़ी आपको घर में आपके ज़रूर होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करना है। मैंने कुछ ज़्यादा ऐड कर दिए, तो आप लोगों ने सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। उसके बाद हम लोगों ने एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करना है। एलोवेरा जेल फ्रेश यूज़ नहीं करना, हम लोगों ने फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करना है, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल हम लोगों ने इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि वो सही से ब्लेंड नहीं हो सकता। तो बाजारी जो होगा एलोवेरा जेल वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करेंगे। एक और इन्ग्रीडियंट्स भी ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और एक और बात, जब हम लोग कॉफ़ी में कोई चीज़ सॉरी एलोवेरा में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो एक जेल टाइप बन जाएगा, लेकिन ये जेल टाइप नहीं बनेगा, बिल्कुल लिक्विड ही बनेगा। इसमें हम लोगों ने एलोवेरा जेल थोड़ा सा और ऐड कर देना है, मतलब 3 टीस्पून आप लोगों ने मार्केट वाला एलोवेरा जेल ऐड करना, और फिर हम लोग इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना। पर ये जेल फॉर्म में नहीं बनेगा, बिल्कुल लिक्विड ही फॉर्म में बनेगा, ठीक है। कॉफ़ी जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही बेस्ट है हमारे स्किन के लिए। विटामिन ई कैप्सूल स्किन को टाइटन करने में हेल्प करता है। विटामिन ई सन बर्न को ट्रीट करता है, डार्क स्पॉट को भी लाइटन करता है। और कॉफ़ी जो है आपकी स्किन को ग्लो करता है। अगर आप अपनी स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं तो ये स्लीपिंग मास्क ज़रूर ट्राई करें। कॉफ़ी एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, स्किन को स्मूथ एंड ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। एलोवेरा में मॉइस्चराइजर पाया जाता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी रिमूव करता है। स्किन में एक नेचुरली ग्लो आती है, स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सप्पल हो जाती है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल जो है बना लिया मास्क, और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई किस तरह करना, हम लोग सबसे पहले फेस को वॉश कर लेना, पूरे फेस पर जो है अप्लाई करना। एक और बात, आप लोगों ने जो है स्लीपिंग मास्क बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर देना, क्योंकि हम लोग इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। तो कॉफ़ी जब और एलोवेरा डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे ना पानी भर, तो वो रात को जब हम सोएंगे तो हमारा फेस पिलो के साथ चिपचिपाहट होगी, और हाथों पर भी इस तरह चिपचिपाहट फेस इस तरह सा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, ताकि जो चिपचिपाहट है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी ये मास्क। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।